हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही चटपटा क्रिस्पी चना चाट। चाट आपने बहुत बार खाया होगा, पर शायद आपने इस तरीके से इसको पहले कभी नहीं खाया होगा। एक बहुत ही अलग तरीके से आज हम इसको बनाएंगे। तो चलिए फिर चने चाट बनाना शुरू करते हैं। तो चना चाट बनाने के लिए हमें एक कटोरी उबले हुए चने लेने हैं और चनों को हमें करीबन 60-70% उबालना है, इतना कि जब हम हाथ में लेकर उसको प्रेस करें तो वो दब जाए। जैसे कि हम सब्जी के लिए बनाते हैं, इस तरीके से चने हमें नहीं उबालने हैं। अब इन चनों में हमें डालनी है 2 चम्मच कॉर्नस्टार्च। आप चाहें तो इसकी जगह अरारोट भी इसमें डाल सकते हैं, पर मैदा आप इसमें ना डालें, नहीं तो चाट में मैदे का टेस्ट ज्यादा आएगा। तो अच्छे से अब हमें मिक्स कर लेना है ताकि जो कॉर्नस्टार्च है वो सफेद चनों पर एक अच्छी सी कोटिंग दे दे। और इसे अब हमें एक दूसरे बाउल में ट्रांसफर कर लेना है। वो इसलिए कि आप देख सकते हैं बाउल के अंदर कॉर्नस्टार्च लगा हुआ है, तो जैसे ही हम पानी के छींटे इसमें डालेंगे तो चने हमारे नीचे चिपक जाएंगे। तो इसलिए इसको दूसरे बाउल में आप जरूर ट्रांसफर करें। और अब इसमें हमें 2 चम्मच पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि पानी सारे चनों पे इक्वली लग जाए। अब फिर से हमें इसमें 3 चम्मच कॉर्नस्टार्च डालना है और इसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है ताकि एक अच्छी सी कोटिंग आ जाए इसके ऊपर। ऐसा करने से जो हमारे चने हैं वो काफी ज्यादा क्रिस्पी बनेंगे। तो चनों को यहाँ मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे हमें फ्राई करना है, तो उसके लिए यहाँ मैंने पहले से ही कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रखा हुआ था और तेल हमें बिल्कुल इसके लिए फुल गर्म करना है। और अब जितने भी चने हैं उसे इस तरीके से आप झरनी से लें और फिर उसको थोड़ा सा झाड़ कर डालें ताकि जो एक्स्ट्रा आटा है वो निकल जाए। तो जितने चने ऑयल के अंदर आते हैं उतने हमें इसमें डाल देने हैं और उनको बिल्कुल हाई फ्लेम पर 2 से 2.5 मिनट तक फ्राई करना है। और ये फ्राई हुए हैं या नहीं इसकी निशानी ये है कि जैसे ही आप इन्हें तेल में डालेंगे तो ये नीचे तली में बैठेंगे, पर जैसे जैसे ये पकते जाएंगे, फ्राई होते जाएंगे, तो ये ऑयल के ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं सारे जो चने हैं वो ऑयल के ऊपर आ गए हैं, यानी अच्छे से फ्राई हो। बस इससे ज्यादा हमें इन्हें फ्राई नहीं करना है, निकाल लेना है। और इसी तरीके से जितने भी चने हमने फ्राई करने हैं उन्हें फ्राई कर लेना है। तो यहाँ मैंने सारे चने फ्राई कर लिए हैं और ये चने कितने क्रिस्पी बने हैं वो आप इसमें सुन ही सकते हैं। तो इन चनों का अब हमें चाट बनाना है, तो इसके लिए चनों को हमें एक बड़े बाउल में ट्रांसफर कर लेना है। अब इसमें हमें डालने हैं आलू। यहाँ एक मीडियम साइज का आलू है जिसे मैंने बॉयल करके इस तरीके से कट कर लिया है। बारीक चॉप किया हुआ प्याज, ये मीडियम प्याज है, और 2 हरी मिर्चें जिसे मैंने बारीक काट लिया है, 3 टेबलस्पून बॉयल स्वीट कॉर्न, 2 टेबलस्पून हमें डालना है इसमें टमाटर, 1/2 टेबलस्पून भुना हुआ जीरा, 1 टेबलस्पून काला नमक, 1/2 टेबलस्पून काली मिर्च, और 1 टेबलस्पून हमें इसमें चाट मसाला डालना है और धनिया डालना है, 1/4 टेबलस्पून हमें इसमें डालनी है लाल मिर्च। और लाल मिर्च हमें ध्यान से डालनी है क्योंकि हमने इसमें पहले से ही काली मिर्च भी डाली है। और नींबू डाल देना है इसके ऊपर 1 चम्मच के आसपास। और इन सभी चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें हमने जो भी चीजें डाली हैं आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे कम ज्यादा कर सकते हैं या फिर हटा सकते हैं। और हमारा चाट बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है, इसे अब सर्व कर लेते हैं। आप चाहें तो इस पे चाट मसाला भी डाल सकते हैं। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ नींबू भुजिया और साथ में ही थोड़ी सी चिप्स, इससे हमारे चाट में काफी अच्छा क्रंचीपन आएगा। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा नींबू और डाला है, कम लग रहा था मुझे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नींबू को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ये चटपटा चाट बिल्कुल तैयार है। जब भी आपको हल्की फुल्की भूख लगी हो या फिर कुछ चटपटा खाने का मन हो तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई है। अगर पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।